प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री हरसिंदर सिंह जी, प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, संचालन कर रहे अरविंद सिंह जी और सामने उपस्थित मित्रों, मालवीय मिशन के पदाधिकारी हैं और यह साल 2023 है और ये विदा हो रहा है। यह साल दो बातों के लिए याद किया जाएगा, मोदी की गारंटी और महात्मा महामना के वांग्मय का प्रकाशन। ये दो बातों के लिए 2023 हमेशा याद किया जाएगा। मोदी की गारंटी में विकसित भारत की यात्रा का प्रारंभ है और महामना वांग्मय में उसका शब्द चित्र है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज जैसे सुबह आप सबने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के की जन्म जयंती है, उस पर प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग गए थे। उसी तरह से आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 162वां जन्मदिन है और ऐसे अवसर पर महामना मालवीय मिशन की खोजी टीम ने, मेहनती टीम ने और समर्पित एक टीम ने वांग्मय को अपने खून और पसीने से बनाया है। मालवीय जी का लिखा जो भी उपलब्ध हो सका है उसके 11 खंड अभी छपे हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने इसे छापा है और मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, ये संभव हुआ सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। मैं मानता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी में महामना से एक समानुभूति है और मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूँ। आप में से कोई अगर ये सवाल मन में आपके उठ रहा हो तो मैं कहूँगा कि ये सवाल आप मत पूछिए, ये मत पूछिए कि वांग्मय इससे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि तो महामना की 162वीं जयंती है। उनको गए हुए 1946 में वे चले गए। 1946 से लेकर 2023 के बीच में आखिर क्या वजह है कि वांग्मय उनका नहीं आया? और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनके एक निजी सचिव थे पंडित सीताराम चतुर्वेदी, उन्होंने मालवीय जी पर एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मालवीय जी के ने 50-55 साल बोला है और जो बोला है वो सब आकाश में है। हमने जो वांग्मय बनाया है वो आकाश से तोड़कर नहीं बनाया, हमने जो वांग्मय बनाया है वो आकाश में जो है वो तो किसी दिन जब विज्ञान आकाश के शब्दों को चुन लेगा तब शायद एक नया वांग्मय महामना का बने, लेकिन हमने जो वांग्मय बनाया है वह उपलब्ध उनकी देश विदेश में जो सामग्री थी उससे बनाया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि वांग्मय में क्या है। गोखले, तिलक, गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, ये जब नाम हम लेते हैं तो उन्हीं नामों में एक नाम
कोहिनूर जैसा चमकता है और वह नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। वाण्मय इस बात का प्रमाण होगा कि महामना मालवीय समसामयिक है। 2023 में भी अगर आप महामना को पढ़ें तो आप पाएंगे कि 2023 में भी हमको अगर कोई ज्योत जलानी है, कोई अंदर प्रकाश खोजना है, कोई भावी दिशा देखनी है, तो वो सब महामना मालवीय के साहित्य में है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वे समसामयिक हैं। वे 21वीं सदी में भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने 1946 में थे, 1886 में थे, 1909 में थे, 1918 में थे। उनका एक ही रंग है। अगर आपने महामना के को देखा होगा तो उनकी दूसरी कोई तस्वीर नहीं मिलती, एक ही रंग की तस्वीर मिलती है। और वो जो रंग उनका है उसमें भारत के सृष्टि के, मैं तो कहूँगा, सारे रंग समा जाते हैं। महामना का रंग है सनातन धर्म, शिक्षा, देशज आधुनिकता, स्वराज, समाज में सद्भाव और भविष्य की राह। महामना पर बहुत पुस्तकें हैं, उनके जीवन काल में भी और आज तक। अभी कुछ दिनों पहले तक एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उन पर बहुत अच्छी किताब निकाली है और वो किताब ये बताती है कि महामना के कथन को, महामना के लेखन को किस तरह से विकृत करके कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं उस किताब के बारे में बोलने का यह वक्त नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि महामना पर तो बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन महामना की पुस्तक ये वाङ्मय है। इस वाङ्मय में आप महामना को पाएंगे जिसमें वे स्वयं साक्षात उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि महामना पर पहली पुस्तक 1919 में, हो सकता है कि ये सूचना बहुत लोगों के लिए नई हो, 1919 में जब महामना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 18 में बन गए थे, तो उन पर जो पहली पुस्तक आई जबलपुर से छपी थी, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने प्रकाशित की थी, वो पुस्तक है। और पुस्तक छपी और उसी साल जब्त हो गई, जबलपुर से छपी थी। इस वाङ्मय के बारे में कुछ बातें मैं और कह करके अपनी बात जल्दी ही पूरी करना चाहता हूँ। आज़ादी के इस अमृतकाल में, जैसा प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी ने भी बात कही कि 4000 पृष्ठों में महामना का बौद्धिक योगदान उन्हीं के शब्दों में आ गया है। इसके 11 खंड हैं। इन खंडों की सामग्री एकत्र करने में देश विदेश में रह रहे अनेक लोगों ने, जो हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं, जो मालवीय जी के साथ जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने सहयोग किया है। कुछ नामों का उल्लेख मुझे करना चाहिए जिनके सहयोग से वाङ्मय बना है। बंगलोर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं, उनकी उम्र 83 साल है, के चंद्रमौली, उन्होंने बहुत सहयोग किया है इस वाङ्मय में। उसी तरह से मालवीय जी के निजी सचिव रहे वीए सुंदरम, उनके नाती हैं, जर्मनी में रहते हैं। मालवीय जी रोज कोई एक श्लोक अपने हस्ताक्षर से अपनी डायरी में लिखते थे, वो डायरी जर्मनी में थी और यहाँ मेरा ख्याल है इस सभागार में उपस्थित होंगे डॉक्टर वैदुर्य प्रताप शाही,
इन्होंने उस डायरी को हमें उपलब्ध कराया। मैं गुरुदत्त शाही के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मनोरमा त्रिपाठी हैं जिन्होंने मालवीय जी के 200 से ज़्यादा पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद करके और उपलब्ध कराया। हरिशंकर सिंह जो मंच पर अभी मौजूद हैं, हम लोगों के पुराने साथी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, हालांकि ये लोहा लक्कड़ वाले हैं यानी इंजीनियर हैं, लेकिन मालवीय जी के प्रति निष्ठा है और इनके संयोजन में ये कार्य हुआ है। गुंजन अग्रवाल वह व्यक्ति है, वह युवा है जिसमें असीम क्षमता है शोध की। गुंजन अग्रवाल ने इस असंभव काम को संभव करने में रात दिन खपाया है। मैं गुंजन अग्रवाल का भी आभारी हूँ। भाषण वांग्मय में मालवीय जी के भाषण हैं, लेख हैं, संपादकीय हैं, पत्र हैं, उन मुकदमों के पूरे विवरण हैं जो मुकदमे मालवीय जी ने लड़े। मैं एक मुकदमे चौरी चौरा के मुकदमे का जिक्र नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मुकदमे का जिक्र करेंगे। इस वांग्मय में दस्तावेज हैं, प्राइवेट पेपर्स हैं मालवीय जी के, और इस तरह से ये सारे खंड काल क्रमानुसार है और ये कार्य अभी आधा हुआ है। हो सकता है कि जब हम अगले कार्य में आगे बढ़ें तो और सामग्री मिले। अभी की योजना में जरूर हम चाहते हैं कि 22 खंडों का ये वांग्मय पूरा हो। अभी 11 खंडों का ये वांग्मय है। मैं कहूँगा कि शुरुआत हो गई है, मार्ग मिल गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मंजिल पर भी पहुँचेंगे। यह संभव है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत संभव है कि हम महामना का एक विश्वकोश तैयार करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वाधीनता आंदोलन के संपूर्णता में, अगर किसी को स्वाधीनता आंदोलन को संपूर्णता में समझना है तो महामना के वांग्मय से उसे मदद मिलेगी। स्वराज और उसके सपने को अगर समझना है तो महामना के वांग्मय से उसे समझ में आएगा कि स्वराज का सपना क्या था। और खुद महावीर ने स्वराज के बारे में बहुत लिखा है। वांग्मय का महत्व इसी रूप में ऐतिहासिक है और भविष्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। मैं यह कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि महामना जब आप पढ़ेंगे वांग्मय को तो आप पाएंगे कि महामना में आर पार देखने की अपार क्षमता थी। और उस महामना के चरणों में मैं प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर राय जी, आपके इस परिचय कराने के लिए वांग्मय की इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आप।